नवजात बच्चे की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में पहुंच गया। इस दौरान परिवार की महिलाएं शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय पर आरोप लगा रही थी कि हमारे बच्चे की हालत गंभीर होने पर भी उसे किसी डॉक्टर या नर्स ने नहीं देखा। परिजन मनोज कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे को भर्ती करने के कुछ समय बाद उसकी हालत गंभीर हो गई थी। हमने स्टाफ से कहा कि उसको देख लो, लेकिन कोई देखने नहीं आया। परिवार का कहना है कि हम इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे। वहीं अस्पताल में डिलीवरी वाली महिलाओं से रिश्वत लेने के मामले कई बार सुर्खियों में आए। वीएमओ आरएल दिनकर ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।